बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए, परदेशियों के लिए मेरी ये वीडियो है जी। और जो अगर मेरे भाई पाकिस्तान वगैरह में या इंडिया वगैरह में देख रहे हैं, तो आपके लिए भी, यानी कि आप भी सुन लें यार एहतियाती तौर के ऊपर। मैं वार्न से आपको एक अपडेट करना चाहता हूँ, वो क्या है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और इससे पहले एक बात आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। बात दरअसल ना, वीडियो है ही इसी के मुतल्लिक कि मैं अगर वीडियो के शुरू में एक बात बोलता चलूँ, वो पंजाबी में ये है जी कि चलो उर्दू में बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं बालते हैं, यानी कि डंडे वाली कौम डंडे ना लाइन च लगती है। अच्छा, बात कुछ यूँ है जी कि आपके साथ मैं आप शेयर भी कर देता हूँ। आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा, मैं पाकिस्तान में जैसा कि मौजूद हूँ आपको पता है छुट्टी के तौर पर, और यहाँ पर कुछ दोस्त अखबार मिलते रहते हैं। एक दोस्त से बातचीत हो रही थी तो मुझे बता रहा था जी पाकिस्तानी कौम के मुतल्लिक आपके साथ बात करने लगा हूँ मैं। माइंड मत कीजिएगा यार, ये मैं खुद से जो मैंने फील किया है सऊदीया से आकर वो शेयर करने लगा हूँ। आप भाई अपनी राय मुझे कमेंट में दे भी सकते हैं, यानी कि अपने मुतल्लिक भी बता सकते हैं कि भाई ऐसा है या ऐसा है, या मेरी राय क्या है। ठीक है जी, बहरहाल सॉरी अगर कोई बात बुरी लगे। पहले ही हुआ कुछ यूँ जी कि एक दोस्त बोल रहा था कि मैं जिस हम जिधर रहते हैं ना गाँव में, स्टॉप के ऊपर जी एक मोटरसाइकिल आता है और उसके पीछे एक रेहड़ी डाली होती है। पंजाबी जानते हैं जी, दूसरे बंदे रेहड़ी जो होती है उसके ऊपर 17 बंदे और जो यानी कि बच्चे बंदे और खवातीन वो बैठे हुए थे 17। जब वो स्टॉप के ऊपर आए ना, तो उन लोगों ने टर्न लेना था। एक बंदा इस तरफ से उतरा, एक इस तरफ से उतरा, रेहड़ी को धक्का लगाया, फिर ऊपर दोनों बैठे मेन रोड के ऊपर वो जा रहे। मैंने बोला भी ठीक है। वो बात मुझे इसलिए बता रहा था, वो आगे से बोलने मुझे ये लगा कि पाकिस्तानी कौम कट्टे की डैश से भी ढूंढ निकाल देती है, समझ गए जी आप। मैंने बोला आगे ऐसे उसकी तरफ देखा, तो मैंने उसको पता कैसे क्या कहा। फिर मैंने उसको आगे से कहा, यही पाकिस्तानी बाहर की कंट्रीज में और सऊदीया में मैंने देखे रूल्स को वैसे फॉलो करते हैं कि कान में सुसरी बिना रिंगे, ऐसे बिल्कुल ठीक है जी। वो बोलता वो कैसे, मैंने बोला आप सुन ले, मेरी सुन ले। मैंने उसको बोला वहां पर ट्रैफिक के कवानी, शर्तों के मुतल्लक, रहायशों के मुतल्लक, कफीलों के मुतल्लक, कंपनीज के मुतल्लक ऐसे रहते हैं कि इनके साथ भरपूर ज्यादती की जाती है, लेकिन फिर भी नहीं बोलते हैं। और आप यकीन करेंगे, मैंने ऐसे बहुत से वाकयात देखे, खासकर कंपनीज या मुसस्सा वगैरह की तरफ से, फिर भी नहीं बोलते, इतने शरीफ बन के रहते हैं। अभी आगे वाली बात सुन लें, इसकी एक मिसाल मैं पेश कर देता हूँ और इसी से आपको इन्फॉर्म भी करना चाहता हूँ मैं। आपने कुछ दिन पहले की बात है जी कि मस्जिद नबवी में जो वाक़ा पेश आया, पाकिस्तानी वफद गया हुआ था। अभी ये मत सोच लीजिएगा यार वो नून लीग का था, पीटीआई का था, पीपी का, यार जिस किसी का भी हो, मुझे इस चीज़ से नहीं है। मैं एक बात पाकिस्तानियों की कर रहा हूँ, वहां पर चोर चोर के नारे डले, उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया, 10 बंदे तकरीबन गिरफ्तार किए गए, उनके ऊपर तकरीबन 8,000 एंड 6,000 के फाइन किए गए और 2 साल एंड 5 साल वगैरह की जेल की गई। ठीक है जी, इसके मतलब तो आपको इल्म है, यानी कि उनको जेल भी हो चुकी है 10 बंदों को और उनके ऊपर फाइन भी हो चुका है। कुछ बंदे पाकिस्तान में आए, इस दौरान में एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिए गए। अभी सुन लें, अभी पाकिस्तान के वजीर दाखिला जाते हैं, चाहे जिस भी पार्टी से हैं इसको छोड़ दें आप, अभी पाकिस्तान के वजीर दाखिला जाते हैं, पाकिस्तान के वजीर दाखिला यानी कि एक भाई वफद है उनके पास, एक उनके पास ओहदा है, उनके पास वफद से मुराद यानी कि बंदे वगैरह उनके साथ होते हैं, लेकिन बहरहाल जी वो उनको छोड़कर अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं और वहां पर मक्का एंड मदीना में घूमते हैं, ज़ियारत करते हैं। कोई भी पाकिस्तानी मुंह के ऊपर क्या भाई, पीछे दूर खड़ा होकर भी उनको उंगली करके चोर या फलां ये ढमका, कोई बात सामने नहीं आई, कोई किस्सा कोई वीडियो सामने नहीं आई। वो वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में, क्यों, पहले 10 को पकड़ लिया गया, उनके ऊपर फाइन कर दिए गए, उनको जेल कर दी गई सऊदी अरबिया कानून के मुताबिक। तो ये मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला था कि ये डंडे वाली कौम है, ये ऐसे लाइन में नहीं लगती। ये बात आपके साथ मेरे शेयर करने का मकसद, तो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो किसी के खिलाफ कोई भी किसी किस्म की वीडियो मत बनाइएगा ऐसे बोलकर के ये फला बंदा चोर है, फला डमका डमका, इस चीज से बात रखिएगा वरना आपको भी गिरफ्तार कर लेगा सऊदी में रहते हुए। मैं उस दोस्त को ये बता रहा था कि ये कौम जो आप यहाँ पर बता रहे हैं ना कि बहुत फटे खां बनी हुई है, यही कौम दूसरे ममालक में रूल्स को ऐसे फॉलो करके चलती है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये बंदा पाकिस्तान में कैसा है और यहाँ पर कैसा है।
बहरहाल ये मेरा खुद से राय थी जी, आप इसके मतलब अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। ना ही मैंने मैं खुद से समझता हूँ कि मैं किसी भी किसी किस्म की किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसके मतलब क्या कहते हैं मुझे बीच में ज़रूर बताइए।